असलम एवरी वन आज हम इन्वर्टर पंखों पर बात करेंगे क्या ये वाकई में बिजली बचाते हैं इनके क्या फ़वाद हैं और बहुत कुछ सबसे पहले हम अपने पंखे की अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस कंपनी का इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदा है एज़ यू कैन सी के इधर लिखा हुआ है स्टारको इेबलिंग स्मार्ट फ्यूचर तो ये इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ग्लोरी इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है अब मुझे अंदाज़ा है कि आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आया होगा वो ये है कि स्टारको फैंस का नाम मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ स्टारको फैंस के बारे में मुझे सबसे पहले तब पता चला जब मैं इन्वर्टर पंखों के ऊपर रिसर्च कर रहा था और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनकी जो प्रोडक्ट लाइनअप है पंखों की वो ज़्यादा एनर्जी एफिशेंसी के ऊपर इनका थोड़ा टिल्ट है और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन थी एन डब्ल सी ए वो स्टारको कंपनी वॉज़ वन ऑफ द लीडर्स सबसे पहले उनको ये सर्टिफिकेशन मिली तो वो थ्री स्टार एनर्जी रेटिंग होती है नॉन इन्वर्टर पंखों के लिए और पंख इन्वर्टर्स में भी दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन द मार्केट इसके अलावा इनका जो क्लाइंटेल है वो भी ज़्यादातर बिज़नेस टू बिज़नेस है इसलिए आपने इनका नाम ज़्यादा नहीं सुना हुआ मैं उन क्लाइंटेल की भी यहाँ सारी लिस्ट डाल देता हूँ इसके अलावा इनकी जो सारी सर्टिफिकेशन हैं उनका भी मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट डाल देता हूँ तो ये एक लजिटमेट कंपनी है फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा ये कि मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इनके मैंने पंखे अपने खुद अपने घर के लिए पसंद किए हैं मैंने सात पंखे ऑलरेडी लगा चुका हूँ अपने घर में अपने पैसों से ख़रीद के और मैं उनको दो महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आठवां पंखा है मेरा स्टारको का और ये मैंने अपने स्टूडियो के लिए पसंद किया है मैं स्टूडियो में लगवा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि बहुत सारा इसमें भी मुझे डिमांड थी लोगों की कि, कि इन्वर्टर ए सी डी सी पंखों के ऊपर आप जो है वीडियो बनाएं तो फिर मैंने स्टार को जब मैंने पसंद कर लिया उनको मैंने रीच आउट किया और फिर उन्होंने दे आर वेरी कोपरेटिव और फिर मैंने उन ये अपने पंखे ऑर्डर किए तो अब हम अपने पंखे की अनबॉक्सिंग करते हैं तो मैं आपके इसके कलर्स बता देता हूँ ये मॉडल जो है वो ग्लोरी मॉडल है इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ये आर एफ रिमोट के साथ आता है बाकी जो मार्केट में आपको मिलेंगे वो इंफ्रारेड रिमोट के साथ भी आ, कुछ इन्वर्टर्स होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं मगर मसला उनका यही है कि जब आप टी वी की तरह जिस तरह को पॉइंट करके उनको रिमोट को चलाना पड़ता है उन पंखों को भी आपको फिर पॉइंट करके उनका रिमोट चलाना पड़ता है मेरे ख़्याल से वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल नहीं था और ये इनका टॉप ऑफ द लाइन था इन एनर्जी इनर्ज, एफिशिएंसी भी और इनका रिमोट भी था वो सबसे अच्छा जो था रिमोट वो ग्लोरी का था इसलिए मैंने अपने लिए ये पसंद किया ये वाला मॉडल तो ये तीन कलर में आता है एक तो ये वाइट है बिल्कुल फिर इसका एक ऑफ वाइट कलर है जो मैंने अपने सारे घर में लगाया हुआ है क्योंकि वो हमारी दीवारों के साथ मैच करता है और एक ये है इनका ब्लैक कलर जो गोल्डन रिंग के साथ आता है और एक इनका एक बिल्कुल और भी मॉडल है जो फुली फुली ब्लैक है मैं आपको दिखाता हूँ तो ये इनका ब्लैक आप देख सकते हैं मैट फिनिश है इसका और स्टूडियो के लिए काफी मजेदार होगा ये भारी मोटर है 99.9% कॉपर की इसकी मोटर है और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है तो ये एक सेटिसफेक्शन है और ये ब्रशलेस मोटर होती है इसकी डीसी करंट पर और इसके साथ ये इसका रिमोट है तो इसका जो नंबर वन स्पीड है वो सबसे तेज़ है और नंबर सिक्स जो है वो सबसे स्लो है हर स्पीड पे कितनी बिजली ले रहा है ये भी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा वीडियो में इसके अलावा आप जो है टू आवर्स और फोर आवर्स सिक्स आवर्स और एट आवर्स के टाइमर लगा सकते हैं इसमें एक स्मार्ट फंक्शन भी है जो मैंने ख़ुद पर्सनली अभी तक ट्राई नहीं किया जो बट मुझे जो बताया गया वो ये है कि स्मार्ट जब आप बटन दबाते हैं तो पंखा जो है वो वेरिएबल स्पीड से चलता है कभी तेज़ चलेगा कभी स्लो चलेगा इस तरह से वो थोड़ी और बिजली बचाता है आ, एक प्राइम एग्जांपल हो सकती है रात में आपने जब पंखा चलाया तो स्मार्ट पे आप चला सकते हैं तो कभी तेज़ चलेगा कभी स्लो आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा आप सो रहे होंगे तो एक और तरीका है बिजली बचाने का पर्सनली मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता इसके अलावा जो है ये रिवर्स का बटन है आ, ये एक और फीचर है जो आगे जाके ये लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अभी इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ बेसिकली uh, रिवर्स में पंखा हल्का सा स्पीड में uh, उलट पंखे उसके चलते हैं तो थोड़ी जो गर्म हवा होती है वो नीचे आती है ये सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में तो इस्लामाबाद और जो बाकी ठंडे इलाके उनके लिए बड़ा ये एक अच्छा ऑप्शन है तो आई होप कि आगे जाके जा इसको इनेबल कर देंगे इस पंखे को देख के आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये एक आम पंखे से किस तरह से मुख्तलफ है तो इसका जवाब ये जो आप इतना बड़ा कवर देख रहे हैं जो आपको आम पंखे में नहीं मिलेगा उसके नीचे मिलेगा तो ये आप जो किट देख रहे हैं ये पीसीबी किट कहते हैं इसको और ये किट जो है इसकी वजह से आपको अप टू फिफ्टी परसेंट जो है बिजली की बचत मिलती है ये जो किट है पीसीबी किट ये अल्टरनेटिंग करंट जो आपका नॉर्मल घर में सप्लाई आ रही आ रही होती है उसको स्टेप डाउन करके डायरेक्ट करंट पे कन्वर्ट करके इस मोटर को चलाती है इसकी जो मोटर है वो डायरेक्ट करंट पे चलती है और इस तरह से आपकी बिजली की बचत होती है इस पीसीबी किट का जो एक सैम्पल है ये स्टारको ने मुझे भेजा है जो मुझे वापस करना है बट दे आर काइंड इनफ टू सेंड इट टू मी क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और अपने लिए भी मैं इसको स्टडी करना चाह रहा था इसकी क्वालिटी को तो ये जो है किट आपको इसमें दो कनेक्शन आप देख सकते हैं एक सोलर का कनेक्शन है या डायरेक्ट करंट का डायरेक्ट कनेक्शन है और ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का इसमें आप ग्रिड की पिक्चर भी देख सकते हैं ये आपके जो घर की नॉर्मल सप्लाई है ये इधर कनेक्ट होगी अब एक और कॉमन सवाल ये होगा कि आ, क्या अगर मेरे घर में सोलर लगा है तभी मैं ये पंखा लगा सकता हूँ तभी मेरी बिजली बचेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका कोई भी घर हो नॉर्मल फ्लैट हो अपार्टमेंट हो जो भी हो सोलर से इससे इसका कोई लेना देना नहीं है ये सारा ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का गेम है जिस तरह आप घर में इन्वर्टर ए लगा सकते हैं उसी तरह आप ये इन्वर्टर पंखे भी लगा सकते हैं तो ये जो, जो सोलर का आपको अलग से तार नज़र आ रहा है ये है कि आप इसको सोलर पे डायरेक्ट चला सकते हैं तो सोलर से चल जाता है पंखा जो आम पंखा नहीं चलता वेराज अगर आपके घर में नॉर्मल जो बिजली है वो आप फिर टू ट्वेंटी वोल्ट का जो स्टिकर है उसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे और ये फिर एक आम पंखे की तरह चलेगा आपका इसमें जो है डिमर और जो है कैपेसिटर का कोई गेम नहीं है तो आपका झंझट जो है ये सालाना ये भी आपका ख़त्म हो गया है कोई डिमर आपका ख़राब नहीं होगा कोई कैपेसिटर आपको रिप्लेस नहीं करना होगा तो ये एक वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है और इसकी इंस्टॉलेशन में भी आपने कुछ एहतियात करनी है वो ये है कि आपने इस पंखे को डिमर के साथ कनेक्ट नहीं करना और अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका जो पी सी बी किट है वो ख़राब होने का खदशा है एक सवाल एक बहुत अब कॉमन होगा लोगों के दिमाग में कि पीसीबी किट अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो उसकी क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इस पीसीबी किट को ख़राब होना नहीं चाहिए इसकी अच्छी खासी लाइफ है मगर अगर आपने डिमर फॉर एग्जांपल लगा दिया इसके साथ और आपकी आपकी किट ख़राब हो गई तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट तकरीबन बारह सौ है और ये भी आपको स्टारको से डायरेक्ट मिल जाएगी इसके अलावा जो स्टार्को से मैंने इनकी जो मोटर का एक सैम्पल भी मंगवाया था एन देवर काइंड इनफ टू सेंड इट ये भी मुझे वापस भेजना है बट ये मैं सिर्फ डिमानस्ट्रेशन के लिए मैं आपको तो दिखा रहा हूँ और ये जो मोटर है ये 99.9 परसेंट कॉपर वाइंडिंग है इसकी ब्रशलेस डीसी मोटर है और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है तो जब आपने खरीद लिया है उसके बाद कभी भी इसमें ज़िंदगी में कभी भी इसमें मसला है तो आप स्टार्को से इसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और इसका वेट अच्छा खासा है तो अब इसके अलावा इंस्टॉलेशन बस की करते हैं अब आप देख सकते हैं हमने इसको बगैर डिमर के लगाया डायरेक्ट हम लगा रहे हैं और ये जैसी टीट के बाद आएगी तो आपने पावर का बटन दबा के रखना है तो ये पेर हो जाएगा पंखे के पर लगाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप स्क्रूज़ को सही तरह से टाइट करें कोशिश करें कि आप 12 इंच के स्क्रू ड्राइवर से इसको सही तरह टाइट करें अगर आपके स्क्रू ज़्यादा टाइट नहीं होंगे तो पंखा वॉबल करेगा तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का कि अब हम चेक करेंगे जो कंपनी क्लेम कर रही है कितने वोटेज पे ये पंखा चल रहा है क्या उनके जो क्लेम है वो एक्चुअली सच्चाई पे मबनी है या नहीं तो मैं अब छत पे अपनी चढ़ चुका हूँ स्टूडियो की और ये मैंने एनर्जी मीटर लगाया हुआ है और ये पंखा बिल्कुल मेरे साथ ही है ठीक है जी और सबसे पहले हम जो है रीडिंग्स को ले लेते हैं विदाउट द प्लग अभी ये जो एनर्जी मीटर ले रहा है वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव सिक्स जो है इस तरह से ये एम्पियज ले रहा है और बाकी सब कुछ ज़ीरो है फिफ्टी हर्ट्स बिजली की वो है फ्रीक्वेंसी और टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन वॉल्ट वॉल्ट आ रहे हैं हमारे पास ठीक है अब मैं पंखा लगा देता हूँ स्टैंड बाय पर देखते हैं कितनी बिजली लेता है ठीक है जी स्टैंड बाय है अभी पंखा नहीं चल रहा है तो ये ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो नाइन ले रहा है अगर हम इसको ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फ़ाइव से माइनस कर दें तो ज़ीरो जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फ़ोर इसकी स्टैंड बाय पावर कंजम्पशन है और ज़ीरो पॉइंट एट वाट्स ये स्टैंड बाय पर लेता है ठीक है जी अब हम सबसे जो स्लो स्पीड है उससे शुरू करते हैं और वो है नंबर सिक्स ठीक है जी पंखा चल पड़ा है बिल्कुल स्लो स्पीड है ये अच्छा जी अब ये आप देख सकते हैं आ, बिल्कुल स्लो स्पीड पे 4.5 पॉइंट वाट्स ले रहा है ये इतनी नहायत ही कम बिजली है आ, मतलब इनर्जी सेवर बल्ब्स इससे ज़्यादा बिजली लेते हैं और आ, आपका मोबाइल का चार्जर वो भी 5 वाट्स लेता है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मोबाइल के चार्जर से भी थोड़ी सी कम बिजली ले रहा है सिक्स नंबर स्पीड पे एम्पेयर्स भी बता देता हूँ आपको इस वक्त एमपेयर्स ये ले रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू सेवन टू एट और अगर हम इसकी जो इनिशियल फिगर है उसके माइनस कर दें ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव तो ये बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू थ्री अब हम इसको नंबर वन पे चलाते हैं एन दस्सी ये फास्टेस्ट स्पीड है इसकी और इट शुड कंज्यूम अबाउट 55 फाइव कंपनी uh, के मुताबिक तो सी ग्रेजुअली so, इसकी वो इंक्रीज हो रही है वोटेज एंड अगेन जैसे कंपनी ने क्लेम किया था उसी के मुताबिक ये 55 फाइव ले रहा है 55.2 और ये बहुत ही डिसेंट यानी कंजम्पन है जो आपके कन्वेंशनल पंखे हैं वो इस से कम आरपीएम पर तकरीबन 80 से लेके 100 सौ वाट्स लेते हैं तो 50 परसेंट एनर्जी का जो रिडक्शन है सेविंग्स है वो क्लेम तकरीबन ऑलमोस्ट ट्रू है ठीक है एम्पेयर्स भी आपको दिखा देता हूँ ठीक है एमपेयर्स ये ले रहा है इस वक्त जीरो पॉइंट टू फाइव सेवन अगर हम इसका स्टैंड बाई फिगर निकाल दें तो ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव ले रहा है स्टार्को के पंखों की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ये उनकी सेवन स्पीड का जो रिमोट है ज़्यादातर जो पंखे आपको मिल रहे हैं पाकिस्तान में इन्वर्टर वो चार स्पीड या पाँच स्पीड मैक्सिमम उसके साथ आते हैं ये सेवन स्पीड रिमोट है और उस सेवन स्पीड में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे इनकी फ़ीचर लगा है वो ये इको का जो इनका बटन है ना ये बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज़ ये आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देता है आपको 310 सौ और 39 नाइन वाट्स जो है वो देगा 310 सौ पे पर ज़्यादातर कन्वेंशनल पंखे चलते हैं तो 55 फाइव वाट्स जो ले रहा है ये ये 350 फिफ्टी है ये थोड़ा आपका जो नॉर्मल पंखा होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो ये भी अगर आपका डाउट है कि जो इन्वर्टर पंखे हैं उनकी परफॉर्मेंस कम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस उनसे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है मगर इको जो है ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है तो लेस जी कि ईको पे कितना ये वोटेज ले रहा है तो आप देखते हैं कि ये इको पे कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है ठीक है जी अभी आप कंपनी ने कहा था कि ये थर्टी फाइव वोट्स लेगा उससे कम ले रहा है दैट्स रिली गुड और अगेन uh, इसमें ये है कि आप 35 फाइव वाट्स थर्टी फोर पॉइंट सिक्स वाट्स फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको एक कन्वेंशनल पंखे जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी और बिजली की बचत भी होगी ये इको वाला जो बटन है ना ये आपको पाकिस्तान में मैंने मैंने तो किसी कंपनी का नहीं देखा सवाइ स्टार को कि मगर अगर आपने किसी का देखा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर और ये बहुत अच्छा इन्होंने बटन दिया हुआ है यहाँ पर और सबसे बड़ा भी है तो मोस्ट लाइकली आप इसी को प्रेस करेंगे विच इज़ रियली नाइस अब मैं जल्दी से आपको बाकी जो इनकी स्पीड्स हैं उनकी बिजली की कंजम्पशन बता देता हूँ सिक्स इको और वन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ़ाइव पे जाता हूँ फाइव पे ये ले रहा है एट पॉइंट फाइव वाट्स समझ लें एट पॉइंट फोर एट पॉइंट थ्री हो गया अब चलें एट पॉइंट फोर समझ लें एट पॉइंट फाइव और आ, मैं अब कर रहा हूँ इस पर नंबर फोर नंबर फोर पे ये ले रहा है नंबर फोर पे ये ले रहा है तकरीबन तो 14.8 पॉइंट एट वाट्स नंबर थ्री ट्राई करते हैं थ्री पे ये ले रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स वाट्स और नंबर टू पे देख लेते हैं अब और नंबर टू पे ये रह रहा है थर्टी फाइव वॉट्स तकरीबन थर्टी फोर पॉइंट सिक्स तो अब बात करते हैं कि ये पंखे किसको लगाने चाहिए तो अगर आपका नया घर बन रहा है तो आई वुड हाली रिकमेंड कि आप इन्वर्टर पंखे लगाएं एक तो ये इनकी कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है कन्वेंशनल पंखों से और ये एज आई डेमॉन्सट्रेटेड कि ये बहुत ज़्यादा कम बिजली लेते हैं और आपको वही डिमर से और कैपेसिटर से छुटकारा मिल जाएगा और आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट करने वाले मतलब आपने कोई पुराने पंखे हैं नहीं आपके पास तो आप ये पंखे ज़रूर कंसिडर करें और मैं तो यही कहूँगा कि आप यही वाले लगाएँ दूसरा वो लोग हैं जो अपना बैटरी बैकअप डबल करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपका यू पी एस है उसमें एक पंखा चलता है और अगर आप उसको डबल करना चाहते हैं आप बैटरी पे इन्वेस्ट करने के बजाय पंखों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप एनर्जी एफिशिएंट पंखे लगाएं तो अगर आपका एक पंखा जो एक घंटा चलता था शायद वो अब दो घंटे चलेगा या आप एक घंटे में दो पंखे चला सकते हैं इंस्टेड ऑफ़ जस्ट वन तो डेफिनेटली इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो हाफ पे है इसके अलावा यू वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जिस तरह जब बिजली जाती है यू पी पे आपका पंखा पंखा जो है वो कन्वर्ट होता है तो आप एक अजीब सी आवाज़ आती है पंखे से और उस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है इसकी परफॉर्मेंस में जो है बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता जब ये यू में कन्वर्ट होता है ये हंड्रेड वोल्ट से ले कर टू ट्वेंटी वॉल्ट तक चलता है और यू पी एस पे कन्वर्ट होने पर इस पर इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होती है आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि मैं क्यों इन्वर्टर पंखों पर शिफ्ट हुआ जब मेरे घर में ऑलरेडी कन्वेंशनल पंखे लगे हुए थे इसकी बहुत सारी वजूहत थी पहला ये था कि यही कि मेरे इन पंखों की वजह से मेरा बैटरी बैकअप एक तो इनक्रीज़ हो गया था जितनी कम बिजली मैं घर में कंज्यूम करूँगा बचाऊँगा उतनी बिजली मैं क्योंकि मेरा नेट मीटिंग सिस्टम लगा हुआ है सोलर का मैं उतनी बिजली वापस बेच सकता हूँ वापडा को इसके अलावा मुझे डिमर से और कैपेसिटर से छुटकारा मिल रहा था आई वॉन्टिड टू गेट रिट ऑफ दैट ये भी था एक वजह और इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी थी कन्वेंशनल पंखों से और इनका जो मैंने जो अपने पुराने पंखे थे वो बेचकर उसकी जो आधी कोश रिकवर करके आधी कॉस्ट मैंने इन में इंकलूड करके अपने आप को फ्यूचर प्रूफ कर लिया है तो ये जो सारे फ़वाद थे इन वजह से इस वजह से जो है मैंने आ, इन्वर्टर पंखे अपने घर में लगाए हैं तो ये दो चीज़ दो लोग हैं जिनको ये इन्वर्टर पंखों पर इन्वेस्ट करना चाहिए ये बहुत ज़बरदस्त मैं मैं तो बहुत खुश हूँ दो महीने से सात पंखे इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरा आठवां पंखा है स्टूडियो का शायद अब मैं सोच रहा हूँ दो शायद आगे और लगा लूँ स्टूडियो में तो इनका जो रिमोट वाला फीचर है ये बहुत ज़बरदस्त है और मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आर एफ रिमोट पर जाएँ अगर आपने स्टारको का इन्वर्टर ए सी डी सी फैन ख़रीदना है तो आप स्टारको डॉट पी के से ख़रीद सकते हैं और मैंने बहुत फाइट करके चार पंखों पर इन्वर्टर सीरीज़ जो इनकी इस पर एट परसेंट डिस्काउंट हासिल किया है अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मगर ये ख़ास तौर तो पर मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट हासिल किया है बिकॉज़ मुझे शौक है कि मैं आप लोगों को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकूं मगर आपके पास मतलब आप किसी और से ख़रीदना चाहते हैं किसी और कंपनी का ख़रीदना चाहते हैं सॉब इस मगर इसका जो है मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ मैं दो महीने से आठ सात पंखे इनके यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने अपने लिए पसंद किया वो मैं यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूँ तो ये एट डिस्काउंट है ये चार मॉडल के नाम नाम यहाँ मैं डाल देता हूँ प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि प्राइस आपको पता है पाकिस्तान में दिन ब दिन चेंज हो रही है कभी डॉलर ऊपर जा रहा है कभी पेट्रोल ऊपर जा रहा है कभी सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं कभी जो है स्टील का इशू आ रहा है उनकी सप्लाई का तो मैं यानी ये चीज़ ऐसी है जो तो बहुत वॉलटाइल है इस वक्त तो मैं यहाँ पर एक प्राइस बोल दूँ ये जो वीडियो है ये दो एक साल दो साल चलती है फिर बाद में आप लोगों को लगेगा कि कोई मैंने ऐसी प्राइस बता दी जो अब रियलिस्टिक नहीं है जैसे मेरा कैनवुड का जो एसी है मैंने एक लाख पाँच का ख़रीदा था वो अब एक लाख अस्सी हज़ार का बिक रहा है तो इतना फ़र्क पाकिस्तान में हो जाता है तो आपको अगर लेटेस्ट प्राइस चेक करनी है तो स्टारको डॉट पी के की वेबसाइट पर जाके आप जो आपको पंखा पसंद आ रहा है उसकी प्राइस आप चेक कर लें और जो चार मॉडल मैंने लिखे हैं उस पर आपको जो भी प्राइस उस ज़माने में जधर भी आप इस वक्त देख रहे हैं उस पर एट परसेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी वरना आपको कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑप्शन है ऑल ओवर पाकिस्तान तो स्टारको का आप अगर फ़ैन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें आप किसी और का लेना चाहते हैं मोर देन वेलकम मुझे कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन